खलफल इमाम जेड़ा कवी है। नई नमाज जिदे अंदर सूरत फातिहा ना पढ़ी जाए, खलफल इमाम इमाम दे पीछे, इमाम दे लासला तली मल्लम यकराबे फातिहा तिल किताबी इमाम उल गैरो इमामिन, इमाम होए गैर इमाम होए जरा नमाज च सूरत फातिहा नहीं पढ़ता ओदे पे ओदी नमाज नहीं, नमाज नहीं। शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेहूपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल देंदे हुंदे सन, आंदे सन एक बीबी नूं बंदा कहे वी दाल पकाई, दाल 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 पकानी है, वो बीबी हुण लसन पांदी है, प्याज पांदी है, हल्दी पांदी है, मिर्चा पांदी है, मसाला पांदी है, विच अदरक पांदी है, थोम पांदी है, सारा कुछ ते विच दाल पांदी कोनी। बंदा आया लिया वी दाल, वो पानी पा के ना कौले च विच अगे रख दिंदे, वो टुब्बी मार के भी दाना लभदा, लभदा कोई नहीं, आंदा दाल नहीं पाई, हाँ हाय मैं तो दाल भुल गई हाँ। उन्हें कहना हम तेरा इलाज की है। मौलाना शेखुल कुरान फरमाते ने हर चीज पै गई है, दाल नहीं पई, हांडी मुकम्मल नहीं हुई, असल चीज दाल है। रुकू कर ले, सजूद कर ले, तस्बीहां पढ़ ले, सारा कुछ पढ़ ले, असल चीज नमाज के अंदर सूरह फातिहा। अगर फातिहा नहीं पढ़ेगा तेरी नमाज मुकम्मल नहीं हुई। इस वास्ते सूरह फातिहा ही नमाज है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी अबू हुरैरा, अल्लाह ने अपने बंदे दे दरमियान ते अपने दरमियान नमाज तकसीम कर दी, तो जड़ी नमाज च सूरह फातिहा ने पढ़ी जाए नमाज खिदाज नाकस है। हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, वो कहिंदे ने खिदाज तो मुराद वे जड़ी ऊठनी दो महीने तो बाद बच्चा साकत कर दे, उहदा बच्चा किसे काम दा नहीं, जड़ी नमाज च सूरह फातिहा पढ़ना पढ़ी जाए नमाज किसे काम दी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन नमाज पढ़ाई, फजर की किरात बोझल हो गई, सलाम फेरियो की पढ़ते हो, रसूल जो तुम पढ़ते हो मैं ही पढ़ लिया, फरमाया सवाए सूरत फातिहा तो आज तो इलावा फातिहा तो इलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, हदीस। तो इस वास्ते फातिहा भी सुन्नत है ते आमीन भी सुन्नत है, बोलो सुन्नत है आमीन। हुण तो वक्त गुजर गया है जिथे कोई भाभी नमाज पढ़ते होंगे अरे मसीत भी धो के जा है, तो यहां जिन्हें रफली दान कर जफा मार के मसीह तो बाहर सुट आते हैं, हूं तो वक्त गुजर गया ये वही है ना। मेरे दादा जी सन, उन्होंने नाम से मुहम्मद हुसैन, तो जैलदार सन, बाइया पिंडा के चौधरी सन, उस वक्त के अंदर घोड़ी थले हाथ च तलवार तो उत्ते 12 गज की पग एडी वड्डी, उदो बरात रात रहा सन, तो असी खानदानी तौर पर शुरू तो ही एले रही सी, शुरू तो ही बड़े पड़दादे शकरदादे तो वो दादा जी गए नमाज पढ़ो, मौलवी ने क्या वाला सवाल दादा जी अंदरा आमीन, वो मौलवी सलाम पे रहा केड़ा है सूर जरा मसीते आन वड़िया, दादा जी मेरे कहन लगे मौलवी जी तुही नहीं आते, अही औलिया ने, तुही छोटे सूर अही वड़े सूर। इस वास्ते आमीन एडी उची आखो, मस्जिद नबी का छत आमीन ना लड़ जाता सी, कम जाता सी, हजरत अली आंदे ने छत कम जांदा सी खजूरां दे पत्तियां दा, आका फरमांदे ने एडी उच्ची आमीन आखो फरिश्तियां दी आमीन ना मिल जाए, गुफिरा लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बे, अल्लाह थोड़ी जिंदगी दे पहले सारे गुनाह माफ कर दे। इस वास्ते इस सुन्नत नबी दी रफुल यदैन, नबी दी सुन्नत हाथ सीने ते बनना, नबी दी सुन्नत फातिहा खलफुल इमाम पढ़ना, नबी दी सुन्नत आमीन कहना, नबी दी सुन्नत पैरां नाल पैर मिलाना, नबी दी सुन्नत कंधे नाल कंधा मिला, और जेड़ी नमाज वाले हदीस पढ़दा हदीस चो ना मिले असी सारे ही अज तो बाद हनफी होने वास्ते तैयार, ये मुहम्मदी नमाज है, मुहम्मदी हनफी नहीं। हनफी नमाज के अंदर सूरत फातिहा नूं नमाज का हिस्सा ही नहीं समझा जाता, किसी ने हनफी अज कर लिया, किसी ने हनफी नमाज कर ली। अल्लाह ताला सानू सारे नूं अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक दिता है सानू दीन कामिल, इनू वधान घटान की लोड़ की है, सुना दिया भाई सुना दूं
अल्लाह पाक दिता है सानू दीन कामिल, इनू वदान कटान दी लोड़ की है। साडे कोल कुरान हदीस चू है, फिर हदाया लियान दी लोड़ की है। फतवे जे कनज कदूरी चो वे खड़े ने, फिर हदीस कुरान दी लोड़ की है। जिदा दुध खलोना ना मिले यारो, उनू दही जमान दी लोड़ की है। जदो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्ला, फिर गैरा वल जान दी लोड़ की है। किसे चीज दी थोड़ नहीं ओदे दर अंदर, कुंडे गैरा दे खड़कान दी लोड़ की है। जेड़े आप मांगत उन्हां कोल जाके, सानू चोलियां फैलान दी लोड़ की है। हाजर नाजर हजूर जे ने थे, फिर उची टारा लान दी लोड़ की है। नबी पाक दे कोल बोल उची, सारे अमल गुआन दी लोड़ की है। हाजर नाजर हजूर जहन थे, पीर होर फड़न फड़ान दी लोड़ की है। मुर्दा कबर चो नहीं जे बार वेंदा, उते उछाड़े पान दी लोड़ की है। उछाड़े मुर्दियां ते पाके यारो, फिर वाबियां कोलो लुआन दी लोड़ की है।